नमस्कार, मैं शिवानी सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। राज्यसभा के निलंबित सांसदों ने पूरी रात किया विरोध, उपसभापति की चाय पीने से किया इनकार। कृषि विधेयक पर बहस के दौरान राज्यसभा में हंगामा करने वाले 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। निलंबन के विरोध में निलंबित सांसदों ने संसद परिसर में रात भर प्रदर्शन किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश प्रदर्शन कर रहे निलंबित सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंचे निलंबित सांसदों ने उपसभापति की चाय पीने से इनकार कर दिया। बता दें कि निलंबित सांसद राज्यसभा से निकलने के बाद संसद के लॉन में प्रदर्शन पर बैठ गए। उनके पास तख्तियां थीं जिसमें लिखा था, हम किसानों के लिए लड़ेंगे और संसद की हत्या। मानसून सत्र का बहिष्कार करेगा कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष। किसान बिलों को लेकर घमासान के बाद राज्यसभा से निलंबित हुए 8 सांसदों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। साथ ही कृषि विधेयक और सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने संसद के बचे हुए पूरे मानसून सत्र का बहिष्कार करने का फैसला किया है। विपक्ष के 8 सांसदों के निलंबन को लेकर कांग्रेस ने राज्यसभा का वॉकआउट किया और गांधी की प्रतिमा के सामने आकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, एनसीपी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राजद आदि समेत सभी विपक्षीय पार्टियों ने संसद के बचे हुए सत्र के बहिष्कार का ऐलान किया है। भारत चीन के बीच 13 घंटे चली कोर कमांडर वार्ता। भारत और चीन के बीच जारी तनाव को कम करने के लिए वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के बीच 6ठे दौर की वार्ता हुई। इस दौरान LAC से सैनिकों को हटाने के एजेंडे पर चर्चा हुई। बता दें कि सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी नवीन श्रीवास्तव को भी शामिल किया गया था। सेना ने 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरजिंदर सिंह ने बातचीत में भारतीय दल की अगुवाई की, जबकि चीन पक्ष का नेतृत्व दक्षिणी जिनजियांग क्षेत्र के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन ने किया। कोरोना संक्रमितों की संख्या 55 लाख के पार, 75,083 नए मामले। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 55 लाख को पार हो गई है। वहीं कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,01,468 रही। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 75,083 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से 1,053 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 44,97,868 लोगों ने इस खतरनाक वायरस को मात दी है और इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटे हैं। कोरोना के चलते अब तक देश में कुल 88,935 लोगों ने जान गंवाई है। देश में COVID-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 9,75,861 है। भारत ने UN को दी नसीहत, कहा संयुक्त राष्ट्र भरोसे के संकट से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र भरोसे के संकट से जूझ रहा है और इस पर गौर किया जाना चाहिए। यह मैसेज संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75वीं सालगिरह पर हो रहे कार्यक्रम में UN हेड ऑफिस से लाइव टेलीकास्ट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा, हम पुरानी व्यवस्था के साथ आज की चुनौतियों से मुकाबला नहीं कर सकते। बड़े सुधार नहीं हुए तो UN पर भरोसा खत्म होने का खतरा है। दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए हमें ऐसा बहुपक्षीय व्यवस्था चाहिए जिसमें आज की वास्तविकता झलकती हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस दिशा में सभी देशों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली पर एक्शन की तैयारी में NCB। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस की NCB जांच कर रही है। इस जांच में बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के नाम सामने आ रहे हैं। श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान जैसी कई उभरते सितारों के बाद अब बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार दीपिका पादुकोण का नाम भी इस जाँच में सामने आया है। NCB की ओर से की जा रही ड्रग्स मामले की जांच के दौरान DNSK, डी यानी दीपिका पादुकोण, एन यानी नम्रता शिरोडकर, एस यानी श्रद्धा कपूर और के यानी करिश्मा का नाम सामने आया है। इसमें सबसे चौंकाने वाला और सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का है, जिनका नाम ड्रग्स केस में सामने आया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।